गंगा ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। जो बृहस्पति देवता है हमारे, वक्री चल रहे थे और अपनी नीच भाव में बैठे हुए थे, यानी मकर राशि में बैठे हुए थे। अब राशि परिवर्तन के कारण उनका नीच जो है भंग हुआ है, यानी वो नीच भाव से बाहर निकलकर अपने स्वयं के घर में आ गए, किंतु यहाँ पर वो वक्री हैं। और उनका यह वक्री काल आपके जीवन में क्या प्रभाव देगा, इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ कि किस किस राशि वाले को यह शुभ या अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं इस राशि परिवर्तन के दौरान। मगर उससे पहले मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों की वजह से मेरा यह चैनल 14,95,000 से अधिक सब्सक्राइबर वाला चैनल बन गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को शीघ्रता शीघ्र सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के लिए नोटिफाई करें, ताकि सनातन धर्म के ज्ञान की जो गंगा है वो निरंतर सतयुग से बहती चली आ रही है और पूरे कलयुग में भी बहती रहे। इसे कोई अंग्रेजों का शासनकाल या मुगल आक्रांताओं का शासनकाल इसे विलुप्त ना कर सके। बेशक हमारे धर्म स्थल टूट गए हों, मगर वो हमारे इस ज्ञान को नष्ट नहीं कर सके। और यह ज्ञान एक मुख से दूसरे मुख से तीसरे, तीसरे से चौथे कर निरंतर फैलता रहा और आज तक जीवित है। इतना अत्याचार तो किसी भी देश में उनके निवासियों पर नहीं हुआ जितना सनातन हिंदू धर्म पर हुआ। तो इसलिए ज्ञान की ये गंगा निरंतर बहती रहे, हमारा धर्म सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए और अधिक समय ना लेते हुए प्रारंभ करते हैं आज के इस राशि परिवर्तन के ऊपर। तो बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर। मेष राशि वाले व्यक्तियों, आपके जो बृहस्पति देवता कर्म स्थान पर नीच के ऊपर विराजमान थे और कुछ शुभ फल दे रहे थे, अब वो भाग्य में स्वयं आकर बैठ गए और वक्री होकर बैठे हुए शनिदेव यहाँ पर शुभ फल नहीं प्रदान करते हैं। तो आपको अभी तक जो कुछ फायदा मिल रहा था कार्यस्थल पर वो मिलना बंद हो जाएगा। बात करते हैं वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए। तो वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो शनिदेव जी के साथ बैठे हुए बृहस्पति देवता भाग्य स्थान में बैठे हुए थे, अब वो भाग्य स्थान से निकलकर अष्टम स्थान पर चले जाएंगे और जिसका जो फायदा मिलेगा वो आपके ससुराल वालों को मिलेगा, आपको वहां से लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, बृहस्पति देवता जो भी अष्टम भाव से निकलकर आपके जीवन साथी के भाव में प्रवेश कर गए और वहां वक्री हैं, तो आपके साथ जीवन साथी के साथ मनमुटाव की संभावनाओं को और अधिक बढ़ाएंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, जीवन साथी से संबंधित रत्न की अंगूठी को पहनकर खुश रहने का प्रयास करें। बात करते हैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के जीवन साथी के घर में, जीवन साथी के साथ जो बृहस्पति देवता पर विराजमान थे, वो वहां से निकलकर आपके स्वास्थ्य के भाव में वक्री होकर आ गए। स्वास्थ्य के भाव में वक्री होना आपके लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम देने की संभावना बताता है। सावधान रहें, खान पीन का विशेष नियंत्रण रखें और कोई विशेष चिंता की बात नहीं होगी। बात करते हैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपके जो बृहस्पति देवता स्वास्थ्य भाव में बैठकर नीच के और वक्री बने हुए थे, वो वहां से निकलकर आपके एजुकेशन वाले भाव में आ जाएंगे, किंतु यहाँ उनका आना अपने घर में आपकी एजुकेशन पर विपरीत प्रभाव ही देगा। अभी तक वो शुभ प्रभाव देने में समर्थ थे क्योंकि वक्री होकर वो आपको मदद पहुंचा रहे थे, किंतु अब वो आपको मदद नहीं पहुंचा सकेंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई में हर्जा होगा। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, तो बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें, अपॉइंटमेंट बुक कराएं। हम गारंटी से उनके हर साल पहले से ज्यादा नंबर दिलाएंगे, उनका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा। बात करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्तियों, जो बृहस्पति देवता आपको
एजुकेशन वाले भाव में बैठे हुए थे, वो वहां से निकलकर आपके घर वाले भाव में, माता वाले भाव में आ गए, वाहन वाले भाव में आ गए, और यहाँ पर आकर वो आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट अवश्य देंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें और बृहस्पति देवता को मनाने का प्रयत्न करें। गलती से भी किसी धर्म गुरु का अपमान ना करें, ऐसा करना आपकी धन संपत्ति ऐश्वर्य को स्वतः ही नष्ट कर देगा। वैसे ये बात सभी राशियों पर लागू होती है कि कोई किसी भी राशि वाला कोई व्यक्ति अगर किसी भी सच्चे धर्म गुरु का अपमान करता है तो भगवान स्वयं उसकी धन संपत्ति ऐश्वर्य को धीमी धीमी छीन कर नष्ट कर देते हैं, उसे कभी दोबारा उसको वापस नहीं करते हैं। तो 100 बार सोचिए किसी सच्चे धर्म गुरु का अपमान करने से पहले, अन्यथा आपको दैवी प्रकोप का शिकार बनना पड़ेगा। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, जो बृहस्पति देवता अभी तक आपके लिए माता के साथ बैठे हुए थे, अब वो भाई बहनों के घर में आकर विराजमान हो गए और निश्चित रूप से भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में अड़चनों को बढ़ा देंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करें, क्योंकि भाई बहन तो आपके बाहुबल हैं। अगर आपका बाहुबली कमजोर हो जाएगा तो आप कैसे आगे लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, अभी तक आपके बाहुबल में बैठे हुए बृहस्पति देवता अब आपके परिवारजनों के साथ आकर बैठ गए, आपके लाभ के खाने में आकर बैठ गए और निश्चित रूप से वो आपकी लाभ की हानि करने जा रहे हैं। या मैं सभी राशि वाले व्यक्तियों को एक बात बता दूं, ऐसे बृहस्पति देवता की स्थिति को निबटने के लिए, इसे पार पाने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की 1 माला या 3 माला या 5 माला नित्य प्रति धूप दीप जलाकर स्नान के पश्चात विधि विधान के साथ करेंगे। 1 माला करने में 15-16 मिनट का टाइम लगता है, कंप्लीट विधि विधान के साथ। स्वयं करना है, किसी से करवाना नहीं है, क्योंकि हम आपके एजेंट नहीं हो सकते भगवान के सामने। आपको अपनी पूजा, अपने भगवान को स्वयं प्रसन्न करने से ही आनंद की अनुभूति होगी और सच्चे आशीर्वाद मिलेगा भगवान। एजेंट के कहने पर भी भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो आप उस माला का निरंतर जाप करिए, नित्य प्रति करिए और गलती से भी किसी धर्म गुरु का अपमान मत करिएगा सच्चे, तो आपको बृहस्पति देवता का आशीर्वाद स्वतः ही मिलना शुरू हो जाएगा विपरीत परिस्थितियों में भी। और अगर आपके पास विधि विधान नहीं है तो आप हमें ईमेल करिए, डिस्क्रिप्शन में से हमारी ईमेल लेकर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो विधि विधान भेज देंगे। इसके बावजूद भी जो व्यक्ति स्वयं पूजा करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो उनको देवगुरु बृहस्पति के रतन पुखराज, अब पुखराज में बहुत सारे कलर आते हैं, कौन सा किसको सूट करेगा, जन्म कुंडली देखकर या चेहरा देखकर ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है किसी केवल और केवल किसी योग्य और विद्वान व्यक्ति के द्वारा, अन्यथा तो बेड़ा गर्क कर देते हैं लोग। तो ऐसे पुखराज रतन की मत्स्य सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कराकर धारण की गई अंगूठी निश्चित रूप से आपके जीवन में अभूतपूर्व खुशियां प्रदान करेगी, तरक्की प्रदान करेगी, परेशानियों को कम करेगी, आनंद की अनुभूति को बढ़ाएगी, आपको प्रमोशन दिलाएगी, आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी और धार्मिक कार्यों में रुचि को बढ़ाएगी। अगर जो लोग वेट से कमजोर हैं उनके वेट में भी वृद्धि करेगी, जिनका वजन कम है उनके वजन में भी वृद्धि करेगी, किंतु ये अंगूठी किसी योग्य विद्वान के द्वारा ही मंत्र सिद्ध हो तभी यह कार्य करेगी। अगर आपको ऐसी अंगूठी नहीं मिल पा रही तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर एक अपॉइंटमेंट बुक कराइए, हम गारंटी से स्वयं इस अंगूठी को मंत्र सिद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करके आपके घर तक भिजवा देंगे। आप पुखराज नहीं पहन सकते तो उसका उपरतन भी आप धारण कर सकते हैं, उससे भी आपका काफी फायदा होगा। यहां मैं बात करूंगा धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति देवता की यह स्थिति जो इस समय उनके लिए 12th हाउस में बैठे हुए थे, अब वापस उनके भाव में आ जाना, उनके लिए सिर पर सवाल हो जाना, निश्चित रूप से उनकी बुद्धि को दिग्भ्रमित करेंगे, कुछ ना कुछ अड़चने तो लाएंगे स्वयं के लिए भी। सावधान रहें, सतर्क रहें और या तो उनकी माला का जाप करें या फिर आप अंगूठी का धारण करें। और बात करता हूं मैं यहाँ पर मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो अभी सिर पर बैठे हुए थे, अब वो बृहस्पति देवता धन लाभ के भाव में चले जाएंगे, मगर वहां लाभ की हानि करेंगे, लाभ नहीं देंगे। जो परिवारजनों से आपको लाभ होना है वहां पर अड़चन पैदा करेंगे, तो इनको तो मनाने की ही जरूरत है। आप सभी लोगों को ही लगभग मनाने की जरूरत है। हाँ, किसी की एक्चुअल जन्म कुंडली में अगर वो वक्री हैं तो वहां उनका प्रभाव कट जाएगा और वो उन सभी लोगों को लाभ देने लगेंगे जिनकी जन्म कुंडली में वो वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो उस स्थान को लाभित करेंगे। ये ध्यान देने योग्य बात है। बात करते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए
कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो बृहस्पति देवता खर्चे के भाव में बैठे हुए थे, अब वो आमदनी के भाव में चले जाएंगे। देखिए खर्चे के भाव में बैठकर भी वो वापस आपकी तरफ आ रहे थे तो आपको आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन यहाँ वो आमदनी के भाव में तो बैठे हुए लेकिन वक्री हैं तो आपको लाभ नहीं देंगे। लाभ किसको देंगे? जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देवता वक्री है उनको तो लाभ दे देंगे, बाकी लोगों को ये लाभ नहीं प्राप्त होगा, तो आपकी आमदनी में नुकसान होगा। और बात करते हैं लास्ट में मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, तो मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो बृहस्पति देवता थे वो आमदनी के भाव में बैठे हुए, अब वापस कर्म के भाव में चले जाएंगे, तो वो कर्म स्थल पर परेशानी खड़ी करेंगे, यानी कार्यों में अड़चन आएगी, जो भी काम करेंगे वो उल्टे पड़ेंगे। किंतु अगर आपके बृहस्पति वक्री है जन्म कुंडली में तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा फल, मतलब आपके कार्यस्थल में वृद्धि होगी, प्रोग्रेस होगी, तरक्की होगी। तो एक बार पुनः दोबारा से क्लियर कर देता हूँ सारी स्थिति को, यानी जिन लोगों के बृहस्पति उनकी जन्म कुंडली में वक्री है तो उनको तो इस समय जो बृहस्पति देवता का राशि परिवर्तन है वो लाभदायक होगा उस भाव के अनुसार, और जिनकी जन्म कुंडली में मार्गी चल रहे थे तो आज के ग्रह गोचर की स्थिति में जो ये परिवर्तन आया है कि वक्री होकर वो बैठे हैं अलग अलग स्थानों पर, तो उनके फल जैसा मैंने बताया उसके अनुसार होंगे और वो ज्यादातर केसेस में नुकसान ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे बृहस्पति देवता को मनाने के लिए एक धर्म गुरु का कभी भी गलती से भी कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी सच्चे धर्म गुरु का अपमान मत करिएगा, पाखंडियों के साथ जो मर्जी करें। और दूसरा पुखराज की एक अंगूठी को, विशेष कलर पुखराज का जो आपकी जन्म कुंडली को सूट करे या आपकी प्रश्न कुंडली के अनुसार सूट करे, उसके अनुसार पुखराज धारण करिएगा या उसका उपरतन पहनिएगा, मंत्र से प्राण पत्र से जागृत कराकर आपको फायदा देगा। इसके अलावा बृहस्पति देवता के तांत्रिक मंत्रों की एक बीज माला, अपने गुरु को धारण करते हुए, गुरु को धारण करने का तात्पर्य जो आपको ये ज्ञान देता है उसको ही गुरु कहते हैं। जैसे बचपन में जो ज्ञान मिला माता पिता से मिला, स्कूल में जो ज्ञान मिला टीचरों के द्वारा मिला, आध्यात्मिक ज्ञान जो आपको देता है उसको गुरु कहते हैं। जिस गुरु से जो आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं तो उस गुरु को धारण कर मानसिक रूप से उसे अपना गुरु मानते हुए उसे आशीर्वाद लेते हुए इस तांत्रिक मंत्र की एक माला का जाप करना या तीन माला का जाप करना या पांच माला का जाप करना आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। तो आज के लिए बृहस्पति देवता की वक्री होने के फल के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।